क्यों लेट हो रहा है? दीदी आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे वाह, तैयार हो गया तू भी? रोजनी बेटा मैं ले आऊंगा ना तुम्हारा रिजल्ट। अरे नहीं मामा जी, आप क्यों परेशानी उठाएंगे, मेरी सहेली फोन पर बता देगी और जब फ्री होंगे तब जाकर रिजल्ट ले आएंगे। दीदी टॉप ही करेगी। चलो गोलू लेट हो रहा है। जाओ 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 जाओ। चलो 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 चलो, बाय बाय, ख्याल रखना। बाय। सुनिए, आपके हुनार भांजी का ना रिजल्ट आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे उड़ाने लग जाओ, हमारे बेटे का भविष्य भी बनाना है तुमको। हाँ गोलू तो अभी छोटा है, तुम अभी से उसके लिए अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे कहाँ से लो? ए सुनो, ये क्या गुंडा कर दिया? सुनो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ क्या गलती कर रही है, क्यों कर रहे हो? रुक जाओ, अभी तो ये सब रुक गया, लेकिन अगर तुम्हारा भांजी का कदम नहीं रुका ना तो आगे से सिर्फ माल का ही नहीं जान का भी नुकसान हो सकता है। शायद तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारा भांजी अवकाश से ज्यादा बाहर जाने का गलती कर रही है, कमेंदर के साथ शादी का सपना देख रही है। जो कभी पूरा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारी भांजी सरोजनी की शादी तो हमारे साले के बेटे मयंक के साथ पहले ही तय हो चुकी है। हमको उससे कोई मतलब नहीं कि उसका शादी तुम मयंक से करो चाहे पतंग से, बस समंदर से उसका डोर जोड़ने की कोशिश नहीं करनी, तो पूरा परिवार को पीस के चटनी बना देंगे। हम समंदर के चाचा हैं, और जब हमारा सटक जाता है ना तो भैरव बाबा की कसम लोगों को पकड़ के पीसते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा बात तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा। हो ही नहीं रहा, बस सुनहरा मौका बर्बाद हो रहा है। अब जब बाबूजी घर पर नहीं है तो यह मौका है झूठ को सच करने का, ताकि जब वो वापस आए तो पोते की खुशी को लेके हमें उनके सामने मुंह ना छुपाना पड़े।
अरे बाबूजी का फोन। ईबीएन मौके पर बता के फोन करते हैं। हेलो बाबूजी, प्रणाम। कब बात कर रहे हैं आप? हैं? अच्छा सही में बाबूजी का रडार बहुत ही मजबूत है, वहाँ दिल्ली में बैठे बैठे भी पता लगा लेते हैं कि यहाँ हम अपना अरमान पूरा करने के लिए चकवा चकई का खेल खेल रहे हैं। प्यारी प्यारी, तुम सरोजनी को क्यों दोष दे रही? तो खुश है ना तू? इसी चीज के लिए तू मुझे ऐड दिखाती थी ना? बीजी आप क्या कह रही? मैंने क्या किया है? नहीं नहीं, तूने तो कुछ नहीं किया। अरे प्यारी ये तुम बीच बचाओ में बता। ये बीच बचाओ का ना नाटक बहुत हो गया है। अब जितना जल्दी हो सके ना मयंक से इसकी शादी करवा दीजिए। अगर आज ही संभव है ना तो आज की आज ही शादी करवा दीजिए, नहीं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो सुमेंद्र का गुंडा चाचा क्या बोलकर गया है? अरे शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, जाओ ना जल्दी। सुमेंद्र के चाचा ने करवाया ये सब? हाँ बेटा, वो गुंडा अपने आप को सुमेंद्र का चाचा कह रहा था। हम ये मानते हैं बेटा कि सुमेंद्र एक अच्छा लड़का है, पर ये सारी हकीकत देखने के बाद सरोजनी हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तुम उस सुमेंद्र से किसी भी तरह का कोई रिश्ता रखो। आज उसके घर वालों ने गुंडे भेजे हैं, धमकी देके गए हैं हम लोगों को कि अगर तुम सुमेंद्र से दोबारा मिलोगी या किसी तरह का कोई संबंध रखोगी तो मार डालेंगे हम लोगों को। एक तरफ उसका परिवार हमें जीने नहीं दे रहा और दूसरी तरफ वो सुमेंद्र तुम्हारे पीछे पड़ा हो। सोचो, इन सब से बचने का सिर्फ एक तरीका मुझे नजर आता है, वो है तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है, तुम्हें मयंक से शादी कर लेनी चाहिए। बेटा देखो, तुम्हारी जिंदगी को लेकर हम किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, ये अलग परिस्थितियां हैं। अच्छा लड़का है, हमें ख्याल रखेगा तुम्हारा। लेकिन सुमेंद्र के चाचा ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ सुमेंद्र की शादी का रिश्ता तय हो गया है और वहाँ हूँ शहर में लोंडिया के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो को उसके पास जाके फूल वाली माला पहनाते हैं। पहना देते, इसमें परेशानी की कौन बात है भाई। अरे जब सुमेंद्र बबुआ को एक लड़की पसंद आ गई है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई का है? ये देखिए, इस छुरी को भी आपकी बात पसंद नहीं आई है। ले ना, इस बात का इशारा है कि शहर की लड़कियां छुरी से भी नुकीली होती है और शहर की पढ़ाई लिखाई उन्हें और तेज तर्रार बना देती है। हे भगवान, वो कीमत ही मार दो कि हमारी समंदर की जिंदगी से चली जाए। रक्षा करो हमारे समंदर की उस शहरी चुड़ैल से। हाँ बुआ, अब अरे बुआ मैं सरोजनी के कॉलेज जाता हूँ उसका रिजल्ट चेक करने, अब पता नहीं कौन पागल है जो पूरी लिस्ट फाड़ कर चला गया। ना जाने कौन जाहिल आ गया जिसे ये तक नहीं पता कि बेल बजाने के बाद थोड़ा इंतजार किया जाता है। कौन है? क्या वो सब ठीक है ना? तू ना ये रिजल्ट का चक्कर छोड़,
भाभी को लेके सीधा घर आ जा, जल्दी से, ठीक है? जी जी जी, ओके। तुम? क्या बात, इतना इम्पैक्ट हमारा कि हमें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे ये लीजिए, पहले मिठाई खाइए मैडम, ये लीजिए। ये किस लिए? ये पकड़िए, बताते हैं किस लिए। पकड़िए। रिजल्ट। टॉपम टॉप, एकदम टॉप पर है आपका नाम। सुमेंद्र तुम जाओ यहां से। अरे क्यों, इतनी अच्छी खबर सुनाई है? हमने सोचा आप स्माइल करेंगे, आपकी स्माइल देखने के लिए हम यहाँ पर आए और आप हमें भगा रही हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। अरे इतनी बढ़िया खबर सुना रहे हैं हम आपको। अरे देखिए मैडम, दरवाजा खोल दीजिए। अरे हम आपके पास उन्हें खुशी सेलिब्रेट करने आए हैं और आप हमें बाहर भगा रही हैं। कौन है? देखिए दरवाजा खोल दीजिए वरना हम तोड़ के अंदर आ जाएंगे, बता रहे हैं। सुमेंद्र यहाँ ये क्या करने आए अब? ठीक है मत खोलिए, हम तीन तक गिनेंगे और आपने नहीं खोला ना तो हम तोड़ के अंदर आ जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा, बता रहे हैं। एक, दो। सरोजिनी दरवाजा खोल दे, पहले इतना सारा सामान टूट चुका है, मैं और नुकसान नहीं सह सकती। खोल दरवाजा और देख क्या बोल रहा है, सुन ले उसकी बात। जी मामी जी। तीन। मेरी छाती में ऊंग ढलोगे? हाँ ये अच्छा तरीका है, पहले हमारे घर की लड़की पे नजर डालो, उसको फंसाओ और अपने घर वालों को यहाँ बेचकर सामान तोड़ो फोड़ो, उसके बाद खुद आकर किसी ना किसी बहाने घर की लड़की से लिपटा चिपटी करो। क्या क्या कह रही है? अच्छा तुझे कुछ नहीं पता, जरा ना अपनी नजरें दौड़ा, देख यहाँ, देख इसको, ये जो सब टूटा फूटा पड़ा है ना वो सब तेरे चाचा ने किया है। और इतना ही नहीं, वो तो धमकी भी देकर गए हैं कि सरोजनी तुझसे कोई भी रिश्ता रखेगी ना तुम्हारे पूरे खानदान की पीस कर चटनी बना देंगे। तुझे पता है यहाँ पे क्या हुआ? ये जरूर बाबूजी का काम है।
देखो सुमित्र, वैसे भी मेरे परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे और मेरे परिवार के लिए और परेशानी मत बढ़ाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। प्लीज मत बोलिए मैडम, अच्छा नहीं लगता, जो कुछ भी हुआ है हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अरे हमारे बाबूजी क्या करते हैं क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही कोई मतलब है, क्योंकि हमारी सोच सिर्फ आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म होती है मैडम। अरे हमारे बाबूजी को अपनी जिद प्यारी, लेकिन हमें आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका साथ प्यारा है, जिसे हम नहीं छोड़ सकते। अरे शंकर, इसकी शादी होने वाली है मेरे भतीजे के साथ, तेरे चक्कर में ना मैं अपने भतीजे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, अगर आपका फैसला यही है तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अरे जा, धमकाता किसको है? सुबह तेरा चाचा आया था धमकाने, अब तू आ गया? तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ गुलाम बैठे हैं? एक बात याद रखना, तुम लोगों से हम लोग किसी भी मामले में कम नहीं है, जो करना है ना जा कर ले। देख तुझे कैसे मेरी भांजी अभी इस घर से जाने के लिए बोलती है। सरोजनी बोल इसको, ये यहां से चला जाए। अब ये बात है, अब तुझे चुनना होगा सरोजनी, अब तुझे चुनना होगा। तू चाहती है कि सब कुछ सही हो, अगर मेरी जिंदगी का कुछ भी मतलब है ना तुझे, तो तू मयंक से शादी करेगी या नहीं? हाँ बोल, नहीं तो मैं खुद को जला डालूंगी। भाभी जी प्लीज, शांत हो जाओ। मैं पूछ रही हूँ हाँ या ना, बोल जल्दी। मामी जी प्लीज रुक जाइए, मामी जी प्लीज मेरी बात तो समझिए।